अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अपर्णा दीक्षित और करण मेहरा को लीड रोल के लिए चुना गया है दर्शी टीवी सीरियल में। वैसे सस्पेंस थ्रिलर का ये शो है, लेकिन इस टीवी सीरियल का अभी चैनल डिसाइड नहीं हुआ है। अपर्णा दीक्षित और करण मेहरा की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी। वैसे अपर्णा दीक्षित की ऐसी खबरें आ रही थी कि वो गुम है किसी के प्यार में लीप के बाद नील भट्ट के ऑपोजिट नजर आएंगी, लेकिन अपर्णा दीक्षित गुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल में नहीं नजर आएंगी। नील भट्ट भी लीप के बाद हमें गुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल में नहीं नजर आएंगे। और आयशा सिंह ने कन्फर्म कर दिया है कि वो एग्जिट हो रही, मतलब उन्होंने गुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल छोड़ दिया है। अगली खबर की बात करते हैं जो है राधा मोहन टीवी सीरियल के स्पिन ऑफ की। निशात मलकानी और येशा रूहानी, इन दोनों से बात चल रही है जी टीवी के राधा मोहन के स्पिन ऑफ में लीड रोल प्ले करने के लिए। वैसे धीरज धूपर, देवोलीना, अर्जुन बिजलानी, इन सबके भी नाम आए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी कोई फाइनल फैसला नहीं आया है कि जी टीवी के राधा मोहन टीवी सीरियल के स्पिन ऑफ में कौन से किरदार लीड रोल प्ले करेंगे। अगली खबर है सना अमीन शेख और साहिल फूल की। सना अमीन शेख और साहिल फूल लीड रोल प्ले करेंगे अतरंगी टीवी के अपकमिंग टीवी शो के लिए। अगली खबर है रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स की। रश्मि शर्मा एक नया टीवी सीरियल ला रहा है कलर्स टीवी पर, जिसमें आरना भदौरिया हमें नजर आएंगी। इस सीरियल का नाम क्या होगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ऐसी ही टीवी की खबरें पाने के लिए हमारे हिंदी सीरियल गॉसिप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें।